हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का एक और अपडेट पब्लिश कर दिया है और यह रिजल्ट का 14th अपडेट पब्लिश किया गया है। हालांकि ये सिर्फ 2 दिन का रिजल्ट अपडेट किया गया है, लेकिन ये एक बिग अपडेट है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं और वो आप लोग रिजल्ट का प्रूफ देखकर समझ जाओगे। यहाँ पे स्टेटस आप लोग देख लो, 27 जनवरी तक शो कर रहा है, जो कि पहले 25 जनवरी तक शो कर रहा था। तो आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आप लोग को प्रूफ के तौर पर दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए कि कितने सारे पेपर के रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। मैंने कोलकाता रीजन का, गुवाहाटी का, लखनऊ का, बैंगलोर का, हर एक रीजन का चेक किया एंड सभी रीजन के स्टूडेंट का कुछ ना कुछ पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे देखो, ये स्टूडेंट का एमएससी 07 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, 100 में 20 मार्क्स आए हैं। डेट ऑफ एडमिशन ऑन वेबसाइट 27 जनवरी शो करा है, यानी कि जो लास्ट अपडेट पब्लिश किया गया 27 जनवरी तक, उसी दिन ये अपडेट किया गया। उसके अलावा ये स्टूडेंट का देखो, एक साथ में एक ही दिन में 3 रिजल्ट अपडेट किया गया है। BHDS 183 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, 50 में 21 मार्क्स आए। डेट ऑफ एडमिशन ऑन वेबसाइट 27 जनवरी शो करा है। उसके अलावा BPSC 107 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, 100 में 53 मार्क्स आए। इसका भी डेट ऑफ एडमिशन ऑन वेबसाइट 27 जनवरी शो कर रहा है। BPSC 110 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, 100 में 46 मार्क्स है। इसका भी डेट ऑफ एडमिशन ऑन वेबसाइट 27 जनवरी शो कर रहा है। तो ये आप लोगों ने देखा कि एक ही दिन में 3-3 रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया। उसके अलावा ये स्टूडेंट का देखो, BEGC 107 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। लुक एट द नंबर, 100 में 83 मार्क्स आए हैं। डेट ऑफ एडमिशन ऑन वेबसाइट 27 जनवरी शो कर रहा है। नॉर्मली आर्ट्स के पेपर में इतने मार्क्स आते नहीं है और इनका 100 में 83 मार्क्स आए, विच इज एक्सेलेंट ना। उसके अलावा ये स्टूडेंट का देखो, BAHIS प्रोग्राम है, BHIC 105 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। 100 में सिर्फ 14 मार्क्स आए हैं, लेकिन डेट ऑफ एडमिशन ऑन वेबसाइट 27 जनवरी शो कर रहा है। उसके अलावा ये स्टूडेंट का देखो, BHDS 183 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, 50 में 31 मार्क्स आए। डेट ऑफ एडमिशन ऑन वेबसाइट 27 जनवरी शो कर रहा है। इनका भी 2 पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। BPSC 109, इसमें 100 में 63 मार्क्स आए हैं। डेट ऑफ एडमिशन ऑन वेबसाइट 27 जनवरी शो कर रहा है। उसके अलावा ये स्टूडेंट का BAECH प्रोग्राम का ये पेपर है, BCOS 183, 100 में 57 मार्क्स आए। डेट ऑफ एडमिशन ऑन वेबसाइट 27 जनवरी शो कर रहा है। BECS 184 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, 100 में 41 मार्क्स आए। इनके भी डेट ऑफ एडमिशन ऑन वेबसाइट 27 जनवरी शो कर रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितने सारे प्रोग्राम का, कितने सारे पेपर का और अलग अलग रीजन का इतने सारे रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। तो आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक कर लेना और देखो कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये सभी तो मैंने प्रूफ के तौर पे दिखाया। उसके अलावा और कौन कौन से पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, PGDT 10102 का बिहार रीजन का अपडेट किया गया है, पटना में इनका चेकिंग हुआ था। IBU 05 बैंगलोर रीजन का अपडेट हुआ है। MS 0504 भुवनेश्वर रीजन का अपडेट हुआ है। MEG 205 ये दिल्ली रीजन का अपडेट हुआ है। 105108 ये भी दिल्ली रीजन का अपडेट हुआ है। BMTE 141 ये दरभंगा में इन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन पेपर चेकिंग पटना में हुआ था। उसके अलावा MEG 7 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। TS 0306 का अपडेट हुआ है। इसके अलावा MPSC 012 और MPSE 02 का भी रिजल्ट देखने को मिला है भोपाल रीजन से। सो ये सभी अपडेट मुझे देखने को मिले हैं। आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक कर लो, देखो आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि ये एक बिग अपडेट है एंड लास्ट कुछ अपडेट से बहुत कम रिजल्ट देखने को मिल रहे थे, लेकिन ये जो 14th अपडेट हुआ है इसमें काफ़ी रिजल्ट देखने को मिले होंगे। इसलिए काफ़ी स्टूडेंट को देख के अच्छा लगा कि चलो इतना सारे स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है तो हमारा भी रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर हो जाएगा। सो ये सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, इग्नो के स्टूडेंट हो, तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have an awesome day. Thank you so much.